हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो टू स्ट्रोक इंजन है, बराबर है, उसको आप पेट्रोल इंजन भी बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें आज के इस वीडियो में गाइस यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस वीडियो में ये बताऊँगा कि कौन से इसके अंदर जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है उसके अंदर कौन से यू नो वैल्यूएबल पार्ट कौन से हैं, बराबर है, और उसके बाद वो पार्ट कौन से चीज़ों के अंदर यूज़ होने वाला है। ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप उनका मैं आपको यहाँ पे नेमिंग बताऊंगा, और ये जो टू स्ट्रोक इंजन का जो प्रोसेस है वो कैसे टेक पार्ट होता है, ये सब चीज़ें मैं आज के वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज का एक वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो मैं यहाँ पे देख लीजिए, दो सिलेंडर बनाए हैं, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट इस जगह पे मैंने बनाया है। तो अभी उसका स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे नेमिंग आपको बताता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देख रही है उसको बोलेंगे, आपको पता ही है जब भी इंजन रन करना होता है तो उसके अंदर आपको स्पार्क चाहिए, बराबर है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे देख लीजिए स्पार्क प्लग यहाँ पे डिनोट किया है, तो उसको क्या बोलोगे, स्पार्क प्लग। ये चीज़ हो गई सबसे पहली। अभी यहाँ पे देख लीजिए, दो यहाँ पे मैंने ओपनिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो इस ओपनिंग को क्या बोलोगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसको बोलोगे एग्जॉस्ट पोर्ट। आपको इसको वाल्व नहीं बोलना है, इसको बोलना है डायरेक्टली एग्जॉस्ट पोर्ट और इनलेट पोर्ट। तो सबसे पहला पोर्ट अगर यहाँ पे दिखता है तो उसको बोलते हैं एग्जॉस्ट पोर्ट। अभी ये सेकेंडरी पोर्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है तो उसको बोलूंगा मैं इनलेट पोर्ट। सो ये हो गया मेरा इनलेट पोर्ट, बराबर है। अभी आपको पता है ये क्या हो गया, सिलेंडर, मतलब ये चीज हो गया मेरा सिलेंडर, और ये जो आपको दिख रहा है ऑब्वियसली वो क्या रहेगा, पिस्टन रहेगा। तो उसको आपका नेमिंग यहां पे दे चुके हैं, बराबर है। अभी देख लीजिए ये जो कनेक्टिंग है, पिस्टन को जो क्रैंक के साथ उसको कनेक्ट किया है तो उसको बोलोगे कनेक्टिंग रॉड। सो ये क्या हो गया मेरा गाइस, कनेक्टिंग रॉड ये यहां पे मेरा हो चुका है, बराबर है। और अभी ये क्या है, ये हो गया मेरा क्रैंक, तो इसको क्या बोलोगे, मैं बोलूंगा इसको क्रैंक, बराबर है। और ये जो डॉटेड वाला मुझे यहां पे दिख रहा है तो ये हो गया मेरा क्रैंक शाफ्ट। ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप नेमिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो अभी देख लीजिए ये जो मुझे पिस्टन के ऊपर, ये पिस्टन के ऊपर मुझे दिख रहा है ये जो ऐसा वेवलाइक स्ट्रक्चर है तो उसको बोलोगे डिफ्लेक्टर। तो डिफ्लेक्टर क्या करेगा, जब भी एयर और फ्यूल का मिक्सचर है उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देगा, बराबर है, और वाल्व की तरफ उसको क्या करेगा गाइस, पुश करने का वहाँ पे कोशिश करेगा। अभी नेक्स्ट क्या है देख लीजिए, यहाँ पे जो लाइन वाला स्ट्रक्चर है क्या है, ट्रांसफर पोर्ट। तो जब भी पिस्टन ऊपर नीचे होएगा तो उसके अंदर वो एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है उसको वो ट्रांसफर करता जाएगा इस एरिया के अंदर, समझ में आ गया बात। तो ये सब चीज़ें हैं। अब एग्जॉस्ट वाल्व का यूज़ क्या होने वाला है, एग्जॉस्ट वाल्व क्या करेगा, एग्जॉस्ट करेगा जो कुछ भी उसके अंदर यू नो एयर और फ्यूल का बर्न वाला जो मिक्सचर उसके अंदर आएगा उसको क्या कर देगा, वो एग्जॉस्ट कर देगा। अभी इनलेट पोर्ट के अंदर क्या हो जाएगा, एयर और फ्यूल का विदाउट बर्न हुआ जो मिक्सचर है वो उसके अंदर क्या हो जाएगा, इनलेट हो जाएगा और यहाँ पे आउटलेट हो जाएगा। सिंपल इसका वर्क है, ठीक है। ये क्रैंक क्या करेगा, पिस्टन का जो ऊपर नीचे होने का जो रेसिप्रोक्रेटरी मोशन है उसको सर्कुलर में कन्वर्ट करेगा विदाउट एनी यू नो डिफ्लेक्शन। और क्रैंक शाफ्ट क्या करेगा, उसके बाद जो इंजन के अंदर एक क्रैंक शाफ्ट फिट होगा उसके अंदर उसको रेसिप्रोकेटरी मोशन का या पे सर्कुलर मोशन के अंदर उसका जो टॉर्क है उसका जो फोर्स है वो वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। आई होप गाइस आपको ये पूरा का पूरा नेमिंग इच एंड एवरी पार्ट के यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अभी जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर मैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर दिखाऊंगा कि ये टू स्ट्रोक इंजन पेट्रोल इंजन किस तरह से वहाँ पे वर्क करता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। अभी इसके अंदर कौन से प्रोसेस होते हैं ये सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस जो यहाँ पे होता है वो होता है एक्सपांशन प्लस एग्जॉस्ट।
ए यहाँ पे होने वाला है सबसे पहला प्रोसेस, और उसके बाद सेकेंड प्रोसेस इसके अंदर क्या होने वाला है वो क्या है, कंप्रेशन और इनलेट, इनटेक और इनलेट, उसके अंदर एयर और फ्यूल का मिक्सचर उसके अंदर क्या हो जाएगा, एंटर करेगा। तो दूसरा क्या है, एक्सपांशन होने के बाद कंप्रेशन प्लस इनलेट, जिसके अंदर क्या हो जाएगा, एयर प्लस जो फ्यूल का मिक्सचर है वो उसके अंदर ऐड हो जाएगा, बराबर है। तो अभी टू स्ट्रोक इंजन है तो उसके लिए पहला मतलब जो सर्कुलर पूरा का पूरा जो मोमेंट, जो उसका मूवमेंट होता है वो होता है आपका 360 डिग्री, बराबर है। कोई भी चीज़ अगर एक से लेकर दूसरे तक जाने वाली है तो उसका पूरा का पूरा टोटल एंगल होता है गाइस 360 डिग्री, बराबर है। तो यहाँ पे क्या है, टू स्ट्रोक इंजन है तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली 360 डिवाइड बाई 2, मतलब 180, एक स्ट्रोक 180 का मतलब कंप्रेशन और एग्जॉस्ट प्रोसेस आएगी 180 डिग्री, जो क्रैंक है वो 180 डिग्री तक घूमेगा, और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो कंप्रेशन और इनलेट वो प्रोसेस अगले 180 डिग्री के साथ टेक पार्ट करेगी, मतलब एक स्ट्रोक 180 डिग्री का होने वाला है और दूसरा स्ट्रोक प्लस 180 डिग्री का हो जाएगा, मतलब टोटल जो मोमेंट है उसका जो टोटल सर्कुलर यहाँ पे जो मोमेंट होने वाला है वो 360 डिग्री तक वहाँ पे जाएगा, बराबर है। तो सबसे पहला प्रोसेस कंप्रेशन हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, एक्सपांशन हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, पिस्टन सिलेंडर के अंदर एक्सपांशन उसके अंदर जाएगा, तो ये पिस्टन नीचे नीचे यहाँ पे मूव हो जाएगा। एक्सपांशन होने के बाद पिस्टन नीचे नीचे मूव हो जाएगा, मतलब उसके अंदर का जो वॉल्यूम इनटेक होने वाला है वो बढ़ेगा, मतलब प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा और वॉल्यूम वहाँ पे बढ़ेगा, बराबर है। और एग्जॉस्ट वॉल क्या हो जाएगा, धीरे धीरे क्लोज होता चालू हो जाएगा, और उसके पहले जो आपका जो स्पार्क प्लग है वो स्पार्किंग करना चालू हो जाएगा, तो आपका इंजन वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे इच्छा नहीं हुई जो मैं यहाँ पे वर्डिंग बता रहा हूँ उसके अंदर प्रॉपरली आप ध्यान दीजिएगा, जो जो मैं आपको यहाँ पे वर्डिंग बताने वाला उसके अंदर आप प्रॉपरली ध्यान दो। अगर आपके पास अगर कोई बुक और पेन लेके बैठना मेरे लेक्चर के अंदर, जब जब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा प्रॉपर थिंग तो उसको आपको नोट डाउन वही के वही करना है, समझ में आ गई ये बात को। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे होने के बाद पहला स्ट्रोक टू स्ट्रोक के मतलब 360 आपको घूमना पड़ेगा, तो पहला स्ट्रोक आएगा 180 के अंदर और दूसरा स्ट्रोक आएगा अगले 180 के अंदर, तो मुझे टोटल 360 डिग्री वहाँ पे मुझे टोटल सर्कुलर जो मोशन है मुझे वहाँ पे मिलेगा, बराबर है। तो आई होप आपको इसको पेट्रोल इंजन भी बोलते हैं, अगर कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम के अंदर, अगर आपको टू स्ट्रोक बोला है इंजन और कभी कभी वहाँ पे पेट्रोल इंजन बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, बिकॉज ये पेट्रोल जो इंजन है उसके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तो आपको कभी कभी पेट्रोल इंजन दिखने को मिलेगा, तो कभी कभी आपको टू स्ट्रोक इंजन वहाँ पे दिखेगा, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है वर्डिंग के अंदर, ठीक है। सो ये दो चीज़ें यहाँ पे होने वाली है, मतलब अभी आपको पता है एक्सपांशन वहाँ पे होगा, मतलब एग्जॉस्ट वाल पे ओपन धीरे धीरे ओपन हो जाएगा, और उसके बाद जो बर्न एयर और फ्यूल का मिक्सचर वहाँ पे है वो धीरे धीरे एग्जॉस्ट वाल से बाहर जाएगा। अभी सेकेंड क्या होने वाला है, कंप्रेशन एंड इनलेट। कंप्रेशन के लिए धीरे धीरे पिस्टन ऊपर जाएगा, मतलब प्रेशर वहाँ पे इंक्रीज होगा और जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा, तो धीरे धीरे पिस्टन ऊपर जाने के बाद ये जो इनलेट वाल है वो एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो कार्बोरेटर के अंदर से आता है वो अंदर लेना वहाँ पे स्टार्ट करेगा। तो ये दो प्रोसेस यहाँ पे होती है। आज के लेक्चर में प्रोसेस ही सबसे इम्पोर्टेंट था। अगर कोई डीजल मैकेनिकल आईटीआई के अंदर जो भी कोई आईटीआई कर रहा है और जो भी कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है उसके लिए आज का लेक्चर सबसे इम्पोर्टेंट था, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे गाइस, अभी तो आज टू स्ट्रोक इंजन पढ़ाया है और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे आपका फोर स्ट्रोक इंजन और नथिंग बट डी डीजल इंजन। आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ में आ रहेगा, अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और
फिर भी अगर कोई किसी को ये वीडियो की डेस्परेटली ज़रूरत है तो उसके साथ वीडियो को शेयर करना गाइस। बाय बाय गाइस, सी यू, मिलते हैं फोर स्ट्रोक इंजन के नेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।